स्वागत है आपका POV हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय अविश्वसनीय सत्य घटना पर आधारित कहानी। कहानी रोमांचक होने के साथ डरावनी भी है, सस्पेंस बना रहे, इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं बता रहा हूं। हां, इतना जरूर बता सकता हूं कि इस कहानी में आपको दुष्ट तांत्रिक के साथ डायन और भैरवी के बारे में भी सुनने को मिलने वाला है, और साथ ही कहानी में एक सफर भी है जो आपको कहानी के साथ बांध कर रखेगा। कहानी बड़ी है, इसीलिए हम इस कहानी को दो भागों में सुनेंगे। कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी सुनते हैं डरावनी, रहस्यमय और तंत्र मंत्र की कहानियां, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानियों से जुड़ सकते हैं। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। सितंबर का महीना चल रहा था, मौसम सुहावना था। मैं शाम की चाय पी रहा था कि तभी मेरे गुवाहाटी में रहने वाले एक मित्र शशि का फोन आया और बोला, शर्मा जी, आपकी रुचि का एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है, अविलंब गुवाहाटी पहुंचो। मैंने एक एजेंट को गुवाहाटी की एक ऐसी टिकट बनाने को बोला जो टिकट बनाने का काम ही करता था। दूसरे दिन उसने मुझे सूचना दी कि टिकट बन गई है। मैंने एक छोटे ब्रीफकेस में अपने जरूरी कपड़े और सामान रखकर तैयारी कर ली और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। गुवाहाटी पहुंचने तक कोई विशेष बात नहीं हुई। रेलवे स्टेशन पर शशि मुझे लेने आया था। मुझे देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। स्टेशन से बाहर निकलते ही पार्किंग में उसकी सरकारी मारुति जिप्सी खड़ी थी, जिसकी नंबर प्लेट के ऊपर लाल पट्टी में असमिया और अंग्रेजी में भारत सरकार लिखा हुआ था। उसने पार्किंग से गाड़ी निकाली और मुझे बिठाकर अपने घर की ओर चल दिया। मेरा मित्र शशि नर्जरी पुरातत्व विभाग में निदेशक के पद पर कार्यस्थ था। गुवाहाटी के आंबाड़ी में उसका ऑफिस था और ऑफिस के पीछे की तरफ एक बंगला सरकार की ओर से दिया हुआ था। घर पहुंचकर पहले चाय पी, फिर स्नान आदि करके तरोताजा हो गया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा टीवी पर न्यूज देख रहा था, तभी शशि आया और बोला, भारत सरकार के एक विशेष प्रोजेक्ट पर मुझे डेपुट किया गया है जो शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर है। वहां जंगल में एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं, वहां मुआयना करके अगले महीने से खुदाई शुरू करनी है। आपको इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक मेरे साथ ही रहना है, और हां, कल सुबह हम चल रहे हैं। खाने पीने का सामान, टेंट आदि गाड़ी में रखवा दिया है, और एक आदमी हमारे साथ रहेगा, शिलोंग का ही है, जो खाना भी बना देगा और वहां के चप्पे चप्पे की जानकारी भी है उसे। ठीक है, मैंने कहा। रात का खाना हमने साथ ही खाया और सोने चले गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर जाना था। गुवाहाटी से शिलोंग लगभग 100 किलोमीटर है, जो 2-2.5 घंटे का रास्ता है। गाड़ी शशि खुद ही ड्राइव कर रहा था। चारों ओर हरे भरे पहाड़, घाटियां और डारने मनमोहक नजारा पेश कर रहे थे। घुमावदार पहाड़ी रास्ता होने के कारण शशि मध्यम गति से गाड़ी चला रहा था। लगभग आधा रास्ता ही पार किया था और नोंगपो आने वाला था। हमने सड़क के किनारे एक ढाबे नुमा होटल के पास गाड़ी रोक ली। थोड़ी सर्दी थी, चाय की तलब तो होनी ही थी। अंदर घुसे तो एक पहाड़ी औरत काउंटर के पीछे बैठी थी। शनि ने चाय और स्नेक्स का ऑर्डर दिया और पास ही खाली कुर्सियों पर बैठ गए। चाय बहुत स्वादिष्ट और खुशबूदार थी, एकदम ताजगी और स्फूर्ति महसूस होने लगी। वहां से स्वाना हुए तो पता ही नहीं चला कि कब शिलोंग आ गया। शिलोंग में पहुंचकर शनि ने मेघालय के पुरातत्व विभाग में जाकर रिपोर्ट दी। फिर हमने भोजन किया और एक बार चाय पीकर जोवाई की और चल पड़े। जोवाई जिला मुख्यालय है, जो जयंतियां हिल्स का एक हिस्सा है। वहां से हमें उत्तर की ओर 13 किलोमीटर दूर लारने गांव की ओर जाना था। लारने एक आदिवासियों छोटी सी बस्ती है, जो चारों ओर हरे भरे पहाड़ों और झरनों से घिरी हुई है। इसी गांव से पूर्व की ओर एक तलहटी हमारा गंतव्य थी, जहां खुदाई होनी थी। हम लारने गांव की सीमा से निकल ही रहे थे कि आदिवासियों का एक जत्था शोर करते हुए आता दिखाई दिया। झुंड के आगे एक धूल से अटी और फटी हुई साड़ी पहने एक स्त्री चल रही थी। उसके दोनों हाथ आगे की ओर रस्सी से बंधे थे। सिर खुला हुआ, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर यातना और पीड़ा के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे।
वह वेदना भरी निगाहों से चारों ओर देखती और लंबी सांस लेती हुई लड़खड़ाते हुए कदमों से चली जा रही थी। उसके पीछे 30-35 आदमियों का हुजूम चल रहा था, जो लगभग नंगे थे। उन्होंने केवल लंगोटी सी पहन रखी थी। दरवेश की शक्ल का एक आदमी उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और वह नाचते हुए चल रहा था। भीड़ करीब आई तो शशि ने गाड़ी की गति धीमी कर ली और थोड़ा आगे बढ़ने पर एक साइड में रोक ली। मैंने उस स्त्री की ओर देखा तो उसका चेहरा बुझा हुआ अवश्य था, पर आंखों में एक तेज था जिससे एक बारगी मैं सम्मोहित सा हो गया। वैसी तेज, उज्ज्वल और किसी को भी अपने मोहजाल में बांधने वाली आंखें बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैंने अपने सिर को झटका दिया और उसे तंद्रा से बाहर निकाला। भीड़ में जो लोग उस स्त्री के करीब थे वे ढोलक बजा रहे थे। वैसी ढोलक की ताल और लय मैंने पहली बार सुनी थी। उस विचित्र आवाज को सुनकर कोई भी अपनी सुधबुध खो सकता था। न जाने क्या जादुई आकर्षण था उस थाप में। भीड़ के साथ वह स्त्री मेरे करीब से गुजरी तो मैंने ध्यान से देखा। उसका पूरा शरीर गर्द से अटा हुआ था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। आंखों में गहन निराशा और उदासी थी। मेरा मन खिन्न हो गया। हमारे साथ जो अर्दली था वो शिलोंग का ही था। नाम था जोगेंद्रो रापसेम्मा। मैंने उससे पूछा, ये क्या है और उस स्त्री को क्यों बांध रखा है? जोगेंद्रो ने कहा, साहब ये औरत डायन है, कब्र से निकलकर बच्चों को खा जाती है, इसीलिए ये गांव वाले इसे गांव से बाहर निकाल रहे हैं ताकि ये गांव वालों का कोई अनिष्ट न कर सके। इसे देखकर तो लगता है कि इसे सजा बहुत कम दी गई है, अनेक को तो जलाकर मार डाला गया है। उसकी बात सही थी। मेरे मन मस्तिष्क में डायन से संबंधित अनेक घटनाएं और खबरें चलचित्र की भांति घूमड़ने लगी। मेरा मन क्लांत हो गया। भीड़ जब छंट गई तो शशि ने गाड़ी स्टार्ट की और उस कच्चे पक्के पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ गया। अभी मुश्किल से 20 किलोमीटर ही चले थे कि आगे एक पहाड़ी नदी आ गई। नदी की चौड़ाई तो ज्यादा नहीं थी, पर पानी का वेग बहुत ज्यादा था। आसमान में स्याह बादल घिर आए थे। लगता था कि घनघोर बारिश होगी। नोगेंद्रो बोला कि यहां से तो नदी को पार नहीं कर सकते, जंगल से घूम कर जाएं तो कम से कम 20 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। दूसरा, मौसम खराब हो रहा है और आसपास 15-20 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। जंगल में आदिवासियों के कबीले हैं जो बहुत खतरनाक हैं। उससे अच्छा है कि यहां से 3-4 किलोमीटर अंग्रेजों का बनाया हुआ एक डाक बंगला है, उसमें रात गुजार लेते हैं। मैंने शनि की ओर देखा तो उसने आंखों से इशारा कर सहमति दी। शशि ने नोगेंद्रो से कहा कि अब तुम गाड़ी चलाओ क्योंकि तुम रास्ता अच्छी तरह जानते हो। नोगेंद्रो ने गाड़ी का स्टीयरिंग थामा और जंगल के रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही समय में हम एक डाक बंगले के सामने खड़े थे। ये नदी के किनारे बना हुआ था। डाक बंगले की हालत शोचनीय थी, फिर भी रात गुजारने के लिए माकूल था। नोगेंद्रो ने एक कमरे को साफ किया और हमारे बिस्तर लगा दिए। दिन छिपने वाला था इसलिए वो खाना बनाने में जुट गया। मैं और शशि थक गए थे इसलिए तरोताजा होने के लिए नदी की ओर चले गए। नदी के शीतल जल में स्नान किया तो थकान जाती रही। हम खाना खाकर सो गए। मैंने घड़ी की ओर देखा तो 8:30 ही बजे थे। शशि तो बिस्तर पर जाते ही जींद के आगोश में चला गया था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस स्त्री के बारे में सोच रहा था जिसे गांव वाले डायन समझकर खदेड़ रहे थे। उसकी रहस्यमयी और झील जैसी तेज आंखें बार बार मेरे स्मृति पटल पर थिरक रही थीं। अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दीं। ध्यान से सुना तो वो ढलान की ओर से आ रही थी। मैंने टॉर्च हाथ में ली और सोचा कि देखते हैं किस चीज की आवाज आ रही है। उसी समय पुनः एक और आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया और आवाज की दिशा में देखा तो गठरी बना एक साया दिखाई दिया जो हरकत कर रहा था। भय के कारण मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी उस साए पर फेंकी और जोर से बोला, कौन है वहां? पास जाकर देखा तो वही स्त्री थी जिसके बारे में मैं सोच रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, गठरी सी बनी सहमी सिकुड़ी बैठी रही। हमारी झूठी पत्तलों में बचे भोजन को खाने ही वाली थी। मेरा मन उसकी दयनीय हालत देख द्रवित हो उठा। मैंने टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखा जो जगह जगह से सूजा हुआ था। आंखों के नीचे नील जम गई थी। सिर से खून बहकर बालों में जम गया था। मुझे देखकर वह उठ खड़ी हुई और डर से कांपने लगी।
मैंने कहा। डरो मत, तुम्हें भूख लगी है, अंदर कमरे में और स्वाना रखा है, मैं ला देता हूं, तुम आराम से बैठकर खाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह पहले तो हिचकिचाई, फिर चारों ओर देखकर मेरे पीछे पीछे चली आई। आवाजें सुनकर शशि और नोगेंद्रो भी उठ गए। शशि तो कुछ नहीं बोला, पर नोगेंद्रो उसे देखते ही भयभीत हो गया और बोला, साहब इसे कुछ मत दो, आप तो जानते ही हैं, ये डायन है, भयंकर जादूगरनी है, गांव से निकाला गया है इसे, स्वाना मत खिलाइए वरना आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने नोगेंद्रो की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अंदर से खाना निकालकर उसे एक पत्तल पर डालकर दे दिया। जब वह खाना खा चुकी तो मैंने उससे कई प्रश्न पूछे। उसका नाम मालती था, असम के रांगापाड़ा शहर के पास फूलबाड़ी की रहने वाली थी, कुछ दिन पहले ही इस गांव लारने में रहने आई थी। डायन समझकर उसे बहुत यातना दी गई, मार पीट कर गांव से बाहर निकाला गया, ये सब बातें सच थीं। अंत में डबडबाई आंखों से बोली, मालती साहब उन लोगों ने बहुत मारा है मुझे, पोर दर्द कर रहा है, 3 दिनों से भूखी थी साहब, किसी ने रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दिया खाने को। बातचीत के सिलसिले में मैंने मालती की आंखों में एक विशिष्ट और अद्भुत चमक देखी जो इस कमसिन उम्र की लड़कियों में नहीं होती। ये तो किसी उच्च श्रेणी के साधक की आंखों में ही हो सकती है। मालती के सिर के बालों में मैंने जटा जैसी एक लट देखी जो साधु साध्वियों के सिर पर होती है। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण तरुणी नहीं है। मालती डायन है या नहीं, इसका पुख्ता निर्णय तो मैं नहीं कर सका। उसकी आंखों की ओर देखा तो एक विलक्षण तेज दिखाई दिया। भय के कारण एक बारगी कांप उठा मैं। मालती, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं, मैंने कहा। बोलिए, क्या पूछना है, मालती बोली। मैंने पूछा, क्या तुम सचमुच डायन हो, लोग तुम्हें जादूगरनी कहते हैं, क्या यह सच है? मेरा प्रश्न सुन मालती की आंखें एक बारगी दब से जल उठी। उसका चेहरा एक पल के लिए थोड़ा कठोर हो गया और उसके चेहरे पर एक अमानवीय भाव उभर आया। उसका चेहरा देखकर भय की तेज लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। भय से सहम गया मैं। तभी शशि भी उठकर मेरे पास चला आया, ये देखने कि मैं उस डायन से क्या बात कर रहा हूं। शशि को आश्चर्य हुआ कि मैं एक डायन से बातें कर रहा हूं। वो बोला, कुछ नहीं, बस कभी मेरे और कभी उसके चेहरे की ओर देखने लगा। मालती ने अपनी आंखें शून्य में निहारते हुए कहा, हां साहब, मैं डायन हूं, मैं जादूगरनी हूं, पहले नहीं थी, बाद में जबरदस्ती बनाई गई हूं। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कमरे की दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। मैं समझा नहीं, मालती साफ साफ कहो, मेरी बात सुनकर हंस पड़ी मालती। फिर अचानक उसके चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव आए, शून्य में निहारते हुए बोली, क्या करेंगे मेरी कहानी जानकर, बड़ी दर्द भरी जिंदगी है मेरी और उससे भी दर्द भरी मेरी कहानी है। इतना कहने के बाद उसकी रुलाई फूट पड़ी, सिसकियां ले लेकर रोने लगी। मैं समझ गया कि निश्चय ही बड़ी रहस्यमय और दुख भरी कहानी है उसकी। ज्यादा कुरेदना मैंने उचित नहीं समझा और मौन हो गया मैं। मगर आश्विर मुझसे रहा न गया और बोला, कोई बात नहीं, आज रात तुम आराम करो, यहां तुम्हें कोई डर नहीं, ये दरी लो और सो जाओ, कल बात करेंगे। आराम तो कर लूं, पर गांव वालों को मालूम हो गया कि यहां मैंने खाना खाया है और आपने मुझे शरण दी है, तो मुझे तो मार ही डालेंगे इस बार, और आपको भी खतरा हो, मालती घबराई हुई बोली। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, मार डालना तो बहुत बड़ी बात है। इस बार शशि अपनी लाइसेंसी स्मिथ एंडसन की 32 बोर की रिवॉल्वर हाथ में लहराते हुए बोला। उसने फिर कहा, हम सरकारी आदमी हैं, गांव वाले कुछ नहीं कर सकते, तुम चिंता मत करो, बेफिक्र होकर आराम करो। शशि की यह बात सुनकर मालती का भय काफी हद तक कम हो गया और वह दरी उठाकर एक कोने की ओर सोने चली गई। नोगेंद्रो इतनी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर भी उसके चेहरे पर भय की हल्की छाया नजर आ रही थी। दूसरे दिन गांव वालों को पता चल गया कि वो डायन डाक बंगले में किन्ही साहब लोगों के पास है और वहीं उसने खाना खाया है, तो कुछ लोग डाक बंगले पर आए और उस डायन को उन्हें सौंप देने का कहने लगे। परंतु जब उन्हें मालूम हुआ कि डाक बंगले में बड़े सरकारी अफसर हैं, तो शांत होकर चुपचाप वापस चले गए। दूसरे दिन मैं शशि के साथ मालती को साथ लेकर शिलोंग पहुंचा। वहां के एक सरकारी अस्पताल में मालती का चेकअप करवाया और दवाइयां ली। आते वक्त बाजार से मालती को मैंने कुछ साड़ियां और अन्य कपड़े खरीद कर दिए। मालती प्रसन्न हो गई, खुशी से उसका चेहरा गुलाब हो गया
नोगेंद्रों से ये सब देखा न गया और मुझसे बोला, साहब एक डायन के लिए ये सब खर्चा क्यों कर रहे हैं। मैंने नोगेंद्रों को कोई जवाब नहीं दिया, मौन रह गया था। केवल ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्यों मालती की सहायता कर रहा हूं, क्या फायदा है मुझे, कौन सा स्वार्थ है मेरा। कभी कभी अकेले में सोचता हूं कि मालती के लिए मेरे मन में इतनी सहानुभूति, दया और करुणा क्यों है, किस लिए है, ऐसा कौन सा अदृश्य आकर्षण है उसमें कि मेरी आत्मा उसके प्रति इतनी स्नेहिल हो गई है, एक अनजान तरुणी के प्रति। मेरे मन में विचारों का झंझावत चल रहा था कि समय का पता ही नहीं चला और डाक बंगले से आगे जहां हमें खुदाई करनी थी वहां तक पहुंच गए। शशि और नोगेंद्रों ने मिलकर टेंट लगा दिए और एक प्रकार का हमारा कैंप बन गया था। मालती ने भी कुछ सहायता की, अब वह शांत नजर आ रही थी। हमारे कैंप से थोड़ी ही दूर एक बड़ा भारी कब्रिस्तान था। इसके चारों ओर बड़े बड़े और घने पेड़ थे। उस दिन शनि नोगेंद्रों को लेकर किसी आवश्यक काम से शिलोंग गया था और अगले दिन आने को बोला। पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। मैं अकेला ही था सो खाना खाकर जल्दी सो गया। रात को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वातावरण में सड़े मांस जैसी बदबू फैली हुई थी। मैंने मालती को आवाज दी जो कैंप के परले सिरे पर सो रही थी। मैंने 2-3 बार आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। एक बारगी मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही। मैंने सिरहाने रखी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी मालती के बिस्तर की ओर फेंकी। मेरे आदर्य का ठिकाना न था, वहां कोई नहीं था, बिस्तर एकदम खाली, मानो मुझे चिढ़ा रहा हो। इतनी रात को कहां गई, वहां मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और कैंप से बाहर निकलकर चारों ओर देखा। सिवाय पेड़ों और घास के और कुछ नजर नहीं आया। बारिश रुक गई थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वातावरण में निस्तब्धता छाई हुई थी, चारों ओर सान्य सान्य कर रहा था। मेरे कदम अनायास उस पुराने कब्रिस्तान की ओर कब मुड़ गए मुझे कुछ पता न चला। कब्रिस्तान का पुराना लोहे का टूटा दरवाजा खुला पड़ा था। मैं सम्मोहित सा दरवाजे में प्रवेश कर रुक गया। अचानक बदबू का एक तेज झोंका मेरी नासिका से होता हुआ दिमाग तक पहुंचा। सिर को झटक कर मैं कुछ चैतन्य हुआ और सामने देखने लगा। एक पक्की कब्र पर मालती बैठी साफ नजर आ रही थी। उसके चारों ओर धुएं के से कुछ साए चक्कर लगा रहे थे जो जीवित व्यक्तियों की तरह हरकत कर रहे थे। मालती तालियां बजा बजा कर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी खिलखिलाहट बड़ी विभत्स थी। भय के कारण मेरा सारा खून बर्फ की तरह जम गया। भय और आतंक के कारण मैं मूर्तिवत खड़ा रहा। मैं सोच विचार की शक्ति खो बैठा था। चेहरा पीला जर्द पड़ गया, मेरा और जूड़ी के मरीज के मानिंद कांपने लगा था। मेरा भय और आतंक से बुरा हाल हो रहा था। अधिक देर तक वो विभत्स और भयानक दृश्य मुझसे देखा न गया। दौड़कर कब कैंप तक वापस आया और बिस्तर पर गिरकर चेतना शून्य हो गया। मालती कब लौट कर आई पता न चला। मुझे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी तो मैंने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। सुबह के 4 बजे थे। हल्का हल्का धुंधलका सा था। रात को जमकर बारिश हुई थी। अब आसमान साफ लग रहा था, तारों की मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। मैं बिस्तर से उठा और एक लोटा पानी पीकर नित्यक्रिया के लिए कैंप से निकलने ही वाला था कि कल रात की घटनाएं एक के बाद एक चलचित्र की तरह मस्तिष्क में कौंध उठी। मैंने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में कांच की एक बोतल ले ली जो पानी से भरी थी। उत्सुकतावश मैंने मालती के बिस्तर की ओर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो मालती वहां सोई हुई नजर आई। पास जाकर देखा तो उसका चेहरा सपाट और भावहीन लगा। मैं सोचने लगा, रात की कब्रिस्तान वाली घटना स्वप्न थी या हकीकत में किसी निश्चय पर न पहुंच सका। मेरी नजर मेरी चप्पलों पर पड़ी तो देखा कि वो कीचड़ से सनी थी। पेंट पर भी कीचड़ के छींटे लगे हुए थे। देखा तो कल शाम जो चप्पलें और कपड़े जो तक बिल्कुल साफ थे, अब एकदम इतने गंदे कैसे हो गए। मतलब कल रात कुछ न कुछ अवश्य घटित हुआ था। विचारों के इन्हीं झंझावातों में फंसा मैं बाहर की ओर निकल गया। सुबह की शीतल हवा चल रही थी जो शरीर और मन को सुकून दे रही थी। कब्रिस्तान के बगल की पगडंडी से होकर नदी किनारे चलता चलता मैं काफी दूर निकल गया। पहाड़ी नदी एक भील आगे चलकर बाईं ओर मुड़ गई थी। दाहिनी ओर हरे भरे पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती थी
जिनमें बीच बीच में छोटे बड़े अनगिनत झरने दिखाई पड़ रहे थे। नदी और पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी समतल घाटी थी। पहाड़ों की कतार में अनगिनत दरें और गुफाएं नजर आ रही थीं। इन दिलकश वादियों के अद्भुत सौंदर्य में खो सा गया मैं। दिन काफी छड्ढ आया था, पर आसमान में स्याह बादल दिखाई दे रहे थे, जिससे समय का अनुमान लगाना कठिन था। नित्य क्रिया से फारिग होकर मैंने नदी किनारे जाकर हाथ मुंह धोया और वापस जाने की सोच ही रहा था कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहाड़ी नदी का पानी बड़े वेग से पत्थरों से टकराते हुए बह रहा था और एक अजीब कोलाहल उत्पन्न कर रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि इतनी दूर इस बियावान में नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। बचने के लिए मैं सामने की ओर एक गुफा की ओर दौड़ पड़ा। गुफा के मुहाने तक पहुंचा ही था कि मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ कि जरूर यहां कुछ है। गुफा के बाहर एक लकड़ी का जर्जर सा दरवाजा था। मैंने हाथ से थोड़ा सा धक्का दिया तो खुलकर एक ओर को झूल गया। मेरी टॉर्च का तीव्र प्रकाश सर्वप्रथम जिस वस्तु से टकराया उसने एक क्षण के लिए मेरा रक्त प्रवाह रोक दिया। मैं दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा रहा। मेरी हिम्मत अंदर जाने की न हुई। न जाने कब तक मैं अपलक वहां खड़ा रहा और सामने गुफा के बीचों बीच स्थित भयंकर जगदम्बा छिन्नमस्ता की विकराल मूर्ति को निहारता रहा। वैसी विलक्षण और तेजोमय मूर्ति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। काले पत्थर की आदमकद प्रतिमा थी, वहां मां छिन्नमस्ता का स्वरूप उग्र दिखाई दे रहा था। देवी का ऐसा स्वरूप जब वह पूरी सृष्टि से दुष्टों का विनाश करती जा रही थी। त्रिनेत्रधारी माता का कंठ सर्पमाला और मुंडमाल से शोभित था। खुले बाल, जिह्वा बाहर, आभूषणों से सजी मां नग्नावस्था में थी। सभी दिशाएं ही उनका वस्त्र, मां छिन्नमस्ता के दाएं हाथ में खड्ग और बाएं हाथ में अपना कटा मस्तक था। कटे हुए थड़ से रक्त की तीन धाराएं फूटती हुई दोनों ओर उनकी सखियां जया और विजया खड़ी थीं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही थी और स्वयं भी रक्तपान करती नजर आ रही थी। जगदम्बा की ऐसी विकराल और भयंकर प्रतिमा देख एक बारगी मुझे कंपकपी छूट गई। अंदर का वातावरण देख लग रहा था कि देवी का नित्य विधिवत पूजन होता है। प्रतिमा के सामने एक चौमुखी पाषाण की वेदी थी और एक तरफ पीतल का त्रयोदशमुखी दीपक रखा था, जो हाल ही हवा के झोंके के बुझा था। उसमें से धुएं की महीन लकीरें निकल रही थीं। सामने ताजा फूल रखे हुए थे। आश्चर्य, कौतूहल, भय और रोमांच का एक मिलाजुला भाव हृदय से उठ उठकर मन और प्राण पर छाता जा रहा था। ये अनुभूति कैसी थी ये तो नहीं कहा जा सकता, पर लगता था जैसे मैं किसी अज्ञात सम्मोहिनी शक्ति के वश में हो गया हूं। तभी अगर और धूप की गंध से भरा एक तीव्र झोंका मुख के पास से निकल गया और उसी के साथ उस गुफा का जर्जर दरवाजा एक झटके के साथ बंद हो गया। मैंने ऊपर देखा तो आसमान धुनी हुई रुई के समान काले बादलों से अटा पड़ा था। वर्षा रुकी हुई थी। चारों तरफ विचित्र सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल का घोर निर्जन इलाका था ये। भयग्रस्त होकर मैं वापस कैंप की ओर तेज तेज कदमों से चलने लगा। पहले टप टप बूंदे टपकी, फिर झरझर कर आसमान बरसने लगा, मानो कुपित हो गया हो। साथ ही उद्दाम हवा का तीव्र विलाप भी गूंज उठा वर्षा के साथ। मेरे मन ने सरगोसी की, भाग यहां से, वरना यहीं जल समाधि बनेगी तेरी। मैं दिशाहीन लक्ष्यहीन चप्पलों से छप छप करता बेतहाशा दौड़ पड़ा। पानी की बौछार तेज हुई, उसी के साथ हवा भी तेज हो गई। पानी से भीगे हुए वृक्ष तेज हवा के कारण दोहरे हुए जा रहे थे। मैं लगभग घंटे भर तक दौड़ता रहा उस मूसलाधार वर्षा में। मुझे लगा अब एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल है मेरे लिए। थक कर चूर चूर हो गया था मैं। अब वर्षा धीमी होकर रुकने वाली थी। निढाल होकर मैंने बाईं तरफ की एक चट्टान थाम ली और आंखें खोलकर ध्यान से उस स्थान को देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये तो वही छिन्नमस्ता वाली गुफा है जहां से मैंने दौड़ना शुरू किया था। ये कैसा इंद्रजाल है, भवतारिणी कैसी माया है ये तेरी। वहम दूर करने के लिए मैंने उस जर्जर दरवाजे को खोला। संशय की कोई गुंजाइश नहीं थी। सामने भगवती छिन्नमस्ता की वही काले पत्थर की प्रतिमा मुझे चिढ़ा रही थी। मेरे हवास गुम हो गए। चेतना शून्य होकर मैं वहीं गिर पड़ा। दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अब कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और इंतजार करें इस कहानी के दूसरे पार्ट का।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आपको और भी ऐसी ही रहस्यमय कहानियां सुनना है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, या आपको इस वीडियो की स्क्रीन पर कुछ कहानियां दिख रही होंगी, वहां से भी आप सुन सकते हैं हमारी रहस्यमय कहानियां। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं हमारी इस कहानी के अगले भाग में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।